तो भैया जूस कितने की है? 10 की दे रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हैं, हम लोग हावड़ा स्टेशन में आए हैं और हमारे आते ही सबसे पहले हम लोग जूस लिए जो कि काफ़ी रिफ्रेशमेंट होता है, पीने से थोड़ा सा एनर्जी आएगा। तो सलीम भाई एनर्जी आया पी के? ऐसा एनर्जी आ गया इनने से हम बंजिल दौड़ के जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख सकते हैं एक बगल में ट्रेन है, देख सकते हैं। हम लोग खड़े होने के लिए नहीं आए, हम लोग जाएंगे इसमें। कहाँ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला बर्दवान जाएंगे। हम लोग बर्दवान जाएंगे ना? जी जी। तो सबसे लग भाई काफी दिनों के बाद हम लोग एक ज़ियारत करने जा रहे हैं, तो हमको पता है कि हमारे जो नाज़रीन हैं और हाज़रीन हैं तो हम लोग मिस करते होंगे, ठीक है। तो क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा उन लोगों को बताइए। हमारा बहुत सारा मैसेज भी आया, क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या बात है। और एक और भाई का मैसेज आया है कि आप लोग क्या बात है, वीडियो बनाना छोड़ दिए क्या? तो थोड़ा सा आप बताइए क्या असल परेशानी हुआ, क्या काम हुआ सर? सबसे पहले तो मैं अपना ब्लॉग सलाम का स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व आला अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे जितने दोस्त, मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते आप लोग को ब्लॉग मिले, पर कुछ परेशानी का कारण आप लोग को नहीं बता सके या नहीं दिखा सके, तो मैं यही बताना चाहूँगा। परेशानी मतलब 2 महीना हो गया, 2 महीना हुआ, हम जानते 2 महीना हुआ है। और उसके लिए क्या है कि हम लोग का कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, उसके लिए आप लोग भी इंतजार कर देते हैं। कोई बात नहीं, इंसान अगर आपसे आप लोग को हर हफ्ता ब्लॉग की नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग से कभी अलग नहीं हूँ, हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। हमेशा लेट हो सवेर हो, हम लोग एक न एक जरूर वीडियो लाएंगे, आप लोग जरा जरूर कराएंगे। नहीं समझो भाई? जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह का करम होगा ना जोड़े। हमारे सलीम भाई भी काफी हम लोग से नाराज थे, इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वक्त निकालते रहते हैं, पर हम लोग के कारण ये जो है मतलब दुख हो जाता है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात। मेरा अबू का थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है, इसी वजह से हम लोग 3 आदमी साथ में रहते हैं या बनाने नहीं पाए, इसी वजह से लोग। तो हमारे सलीम भाई का अबू के लिए, वालिद साहब के लिए बाखुसूस आप लोग दुआ किया कीजिए, अल्लाह ताला उनको जो है सेहत अता फरमाए। तो मेरे हिसाब से बैक टू बैक आएगा इंशाल्लाह, हर सप्ताह सप्ताह आप लोग बोलते हैं तो आएगा, तो एक सब इंशाल्लाह आप लोग दुआ में लगे रहते हैं। और जो वली से मोहब्बत करते हैं, जो हमारे पीर और मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, वो एक बार कमेंट्स में जरूर सुभान अल्लाह अमीन लिखिए। और आप लोग को अगर दिली पाई से कहीं मजार का ब्लॉग दिखाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इंशाल्लाह ताला वो हम लोग आप लोग को अदा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हमारे बीमारी या बर्दवान, बीमारी या मटवान कहीं भी हम लोग जाएंगे और मजा सफर का आगाज करते हैं। जैसे कि हम हर ब्लॉग में जब भी हम लोग कभी निकलते हैं तो सबसे पहले सफर की दुआ पढ़ते हैं, तो जिससे सफर आसानी हो जाती है। तो आइए सफर की दुआ पढ़ते हैं। अस्सलाम तो सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला अलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लज़ी सख़्ख़ा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। जाए तो सफर की दुआ जरूर पढ़े। अभी थोड़ा सा आवाज में परेशानी आती होगी क्योंकि हमारा एक हादसा हो चुका है, हमारा जो माइक था और हमारा जो माइक्रोफोन था वो टूट चुका है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम लोग का ब्लॉग आएगा तो उसमें आवाज क्लियर रहेगा इंशाल्लाह। सलीम भाई ने केला खरीदा और केला को बराबर बराबर तकसीम किया जा रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पे संतुलक भाई खाते हुए, तो सफर का तो यही मजा है कि सफर में निकले तो खाते पीते निकले तो काफी अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आपको केला खिलाया जा रहा है, आइए आप भी ज्वाइन कीजिए हम लोग साथ, केला खाइए। देखिए अभी हम लोग एक्सप्रेस गाड़ी में पकड़े थे, बताना यही चाहूँगा आपको कि वो ट्रेन नाम का ट्रेन है, उससे अच्छा लोकल ट्रेन है। हम लोग सोचे थे जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन क्या बताऊँ आपको कि उतना लेट कर दिया, इतना डिले कर दिया वो ट्रेन, इसकी वजह से हम लोग का लोकल ट्रेन वापस आ गया। फिर से आराम तो था उसमें, आराम था, आराम था। मेरे प्यारे दोस्तों के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग मेमारी स्टेशन आ पहुँचे हैं, बताना यही चाहूँगा बीमारी ना बीमारी नहीं नहीं बीमारी बीमारी। देखिए हर वक्त रज्जी भाई और सलीम भाई मजाक करते रहते हैं, तो बताने यही चाहूँगा कि आप लोग को आवाज़ सुनने में थोड़ा दिक्कत होती होगी, तो उसके लिए गुस्ताखी चाहता हूँ। हम लोग का रज्जी भाई का मेहरबानी है, रज्जी भाई का मेहरबानी, इसी वजह से हम लोग का आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि हम लोग इंशाल्लाह जो दरगाह आज जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रहमतुल्लाह अली का नाम हम लोग को पता मासूम अली मासूम साहब बाबा,
तो इंशाल्लाह तेरा पूरा ब्लॉग के माध्यम से आपको हर एक जगह का बताया जाएगा। आप लोग मेमारी स्टेशन उतर कर यहाँ से फिर हम लोग किस तरह से जाएंगे आपको पूरा लोकेशन आपको दिखाया जाएगा। आइए चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेमारी स्टेशन जस्ट उतर के यहाँ देख सकते हैं रजी भाई टोटो दिखाइए यहाँ पे टोटो बताना चाहूँगा। यहाँ से दरगाह का जो फेयर है 15 रुपया पर हेड है, लेकिन इन लोग ने अभी बताया कि हम 3 आदमी को हम लोग 100 रुपया लेंगे। पता नहीं ये क्या सिस्टम कैसा है, तो आप लोग भी ऐसा बेवकूफ़ कभी मत बनिएगा। 15 रुपये 1 आदमी का फेयर है, आप लोग कभी भी आइएगा तो 15 रुपये दीजिएगा, सीधा दरगाह आपको लेके जाएंगे लोग। तो यहाँ का पूरा लोकेशन आप लोग को बता रहे हैं, जिसकी आपको बताना चाहूँगा। सलीम भाई भी कुछ ना कुछ निदारा अंदाज करते हैं। अरे भैया जो मिले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्यारे भाइयों बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं और टोटो का 1 आदमी का फेयर ठीक 15 रुपया मिला है। इससे पहले आज से 1 साल पहले हमारे सलीम भाई आए थे तो बोल रहे थे 10 रुपया भाड़ा था, अभी 15 रुपया भाड़ा हो गया है। और बताना चाहूंगा आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग का माइक जो है हमारे रज्जी भाई के मेहरबानी से वो खुद टूट चुका है। तो मेरे अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, लग रहा है हम लोग गांव में आ चुके हैं, तो शहर की जिंदगी से हम लोग पक चुके हैं और गांव की जिंदगी पका रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम लोग फिर आपको एक दरगाह की ज्यारत कराने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेमारी का मासूम अली शाह बाबा रहमतुल्ला अली का मजार है। और बताना यही चाहूँगा जब हम लोग ये मजार पे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजार है और इतना अच्छा है, आप उसको लोकेशन में दिखाइए रजी भाई थोड़ा, आप बत्तख वगैरह भी दिखाइए थोड़ा। आप दीदार कर रहे हैं मासूम अली शाह बाबा के मजार की जियारत कर रहे हैं और माशाल्लाह काफी बड़ा मजार है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इतना दूर आए तो हमारा एक साथ हादसा तो हो ही गया जो आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब हादसा हम लोग भूल गए। काफी अच्छा है, काफी बड़ा जगह में है, तो हम लोग से आप लोग से यही इल्तिजा करेंगे कि हम लोग तो आए हैं, आप लोग वर्चुअली देखिए, लेकिन अगर मौका मिले तो जरूर यहाँ पे एक बार आइएगा, काफी बड़ा दरगाह है। आइए आप यहाँ पे आइए और आप का मजा लीजिए, यहाँ पे दुआ कीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा मजा आ रहा है। दिखाते हैं आपको यहाँ पे, देखिए सब खेती भी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कोबी नजर भी आ रहा है, देख सकते हैं कोबी हो चुका है। ये है यहाँ का वजू खाना, ये वजू खाना देखिए, यहाँ पे आके वजू बनाते हैं हम लोग। वहाँ पे जेंट्स टॉयलेट, वहाँ पे देख सकते हैं सामने में, यहाँ पे लेडीज के लिए नमाज पढ़ने के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए जगह है। यहाँ पे एरिया देखिए, यहाँ पे खाना वगैरह गाड़ी वगैरह रखने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, काफी बड़ा जगह है। चेंजिंग रूम, नहाने के लिए, गाड़ी रखने के लिए, हर तरह का फैसिलिटी यहाँ पे है, काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। आप लोग यहाँ पे मौका मिले तो जरूर आइए, काफी अच्छा जगह है। वजू बनाते हैं, यद्यपि रज्जी भाई शमसुर हद भाई वजू बना रहे, ऐसे तो आते नहीं इन लोग तो बना ना लेते, हम बता दे रहे भी बना रहे, ठीक है ना, दे दीजिए शमसुर भाई दाढ़ी पूरा भिजाइए आप, रज्जी भाई थोड़ा थेवना से ऊपर ले जाइए आप। हाँ ऐसा होता है कि रूस में बाथरूम है और 1.5-2 लाख आने लाइन लग जाता है, सिलेंडर तो इसलिए मुनासिब नहीं होता, इसलिए हम लोग नया बाथरूम बनवा रहे हैं। ये टूट के टोटली पीछे चले जाए, और पीछे में भी है बाबा के जमीन, बाबा अपने हयात में पर्दा करने से पहले ही बोल के गए थे कि 52 बीघा में मेरा एरिया होगा, आज तक ऐसा बढ़ रहा है। तो आपको जिस तरह से मैंने लेना हो हेल्प, हम लोग है आपकी, नंबर रख लीजिए, नंबर ले लीजिए, और आप लोग ग्रुप आए हैं, काम चल रहा है, जो हो जाए आप लोग सुरक्षित कराए। परेशानियां हम तो घेरे हुए हैं परेशानियों से। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारा मजार है, दरगाह है, तो बताना चाहूंगा आप लोग को या अल्लाह ताला आप लोग का जो वीडियो देख रहे हैं कि अल्लाह करके मजार के सच्चे और अल्लाह का करम से आप लोग की दुआ कबूल हो। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए हैं, तो आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चला है जैसे हम लोग बासुपट्टी में जाते हैं अपना फैमिली को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा लोकेशन आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से
कुछ लोग को देखा गया ये कि जंजीर बांधा हुआ यानी इलाज भी यहाँ पे चलता है। तो हम लोग खादिम से मिलकर ये पता चलेगा कि जो भी मालूमात पता चलेगा आप लोगों को जरूर पेश करेंगे। तो आइए आपको जिस बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार है, जिस ज़ियारत का इंतजार है, हम लोग आइए आपको ज़ियारत कराते हैं, आइए चलते हैं। कौन है जो नहीं चाहता कि उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। आओ मैं एक ऐसा वजीफा बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद भी अहदीस के जरिए हमें अपनी जियारत का फार्मूला अता फरमाया। एक हदीस पाक जिसका मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं जो कोई शख्स ये दुरूद पाक अल्लाहुम्म सल्ले अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही वअला जसदिही फिल अजसादी वअला कब्रिही फिल कुबूरी, ये दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीब उसको ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत अता फरमाता है। और आका फरमाते हैं जो मेरी ख्वाब में ज़ियारत करेगा ना वो मुझे कयामत के दिन भी देखेगा और मैं उसकी शफाअत करूँगा और मैं जिसकी शफाअत करूँगा वो मेरे हौज़े कौसर पर आकर पानी भी पिएगा। काम नहीं हुआ है, बताना चाहूँगा यहाँ पे अभी हम लोग को ये पता चला है कि तकरीबन जो बाबा है वो 52 बीघा में ये जगह बोले हैं बनाने के लिए। तो अभी खादिम साहब हम लोग कुछ बात कर रहे थे, खादिम साहब से ये पता चला है कि यहाँ पे तकरीबन 52 बीघा का बहुत बड़ा जगह यानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो आप लोग अपना फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, देखा उस साइड में काम चल रहा है, नाजिन को चल के दिखाया जाएगा क्या इंशाल्लाह। अगर आपको ब्लॉग के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि वहाँ पे काम चल रहा है और मतलब 52 बीघा समझ रहे भाई, यानी 1 बीघा कितना होता है तकरीबन 20 कट्ठा, यानी 52 बीघा में ये पूरा बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ कीजिए और यहाँ पे आप लोग अपना फैमिली को भी आ सकते हैं। और बताया गया ये भी बात कि यहाँ पे आप लोग आइएगा तो ये आप लोग का जो नेक दिन ख्वाहिश है ये आप लोग को पूरा होगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइए, अगर कुछ भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग की खातिर के लिए पानी वगैरह है, पानी वगैरह पी सकते हैं। अच्छा नहीं उठा मेरे प्यारे नाजिम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाजिरी भी लगता है, तो बताना ये चाहूँगा कि आप लोग अगर अपना फैमिली को लेके आ सकते हैं तो यहाँ पे हाजिरी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे एक हाजिरी लग रहा है। मज़ार की हम लोगों ने ज़ियारत कर ली, काफ़ी रूहानियत वाला मज़ार है। तो अब हम लोग मज़ार का जो आसपास का एरिया है वहाँ पे हम लोग आए हैं, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले भाई आप बताइए हमारे नाजिन को यहाँ पे क्या क्या आप देखें यहाँ पे और क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड में पूरा यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं। तो जिस तरह से बासुपट्टी का मज़ार में अपना फैमिली को लेके आप जा सकते हैं वहाँ पे भी हाजिरी लगता है। तो यहाँ पे भी बहुत सा घर है, रूम वगैरह है, यहाँ पे भी आप हाजिरी लगा सकते हैं। अभी हम लोग आपको वीडियो में एक मंजर भी देखेंगे जो कि एक बच्चा को कुछ मतलब आया हुआ था, आसिबी मामला था। तो वो वीडियो में आप लोग को जरूर आगे चल के दिखाएंगे कि यहाँ पे भी अपने इलाज आप लोग करवा सकते हैं। अभी खादिम साहब जो है खाना खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनसे मिल के ये पता चल करेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या मतलब और भी जानकारी जो भी पेश होगा आप लोग को। यहाँ पे बहुत सारे रूम वगैरह है तो इसका आगे का जानकारी हमारे सलीम भाई देंगे। तो आइए सलीम भाई से पूछते हैं क्या क्या है। हाँ जैसे शमसुल हद भाई बोले यहाँ पे हाजिरों क्या है, तो देखिए वो रूम देखिए आप पहले, वो रूम जो है उसी रूम में सब जितने मैंने है ना वैसा वो सब आदमी रूम में रहते रोज हाजिरी होता है तो आदमी जाते हैं। क्या उन लोगों क्या मतलब रहने कैसे रहते हैं, उन लोगों को पकड़ के रखा जाता है क्या? नहीं वो लोग तो सब सिस्टम में बना रहता है, हाजिरी होता है तो फिर लेते जाते हैं लोग और वो सिस्टम बना ही रहता है जब सही नहीं होता। कितना दिन रखा? जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मजार के बैक साइड के एरिया में आए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपका नजर जाता है यहाँ पे, दिखाइए सलीम भाई जहाँ तक नजर जाता है आप देख सकिएगा यहाँ पे हमारे जो मासूम साहब बाबा थे उन्हीं का सब प्रॉपर्टी है कि वो इसमें यूज करे, वो जो मजार है मजार में यूज करे। और ये देख सकते हैं सामने जो ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये बाथरूम बनाया जाए है। लास्ट ईयर जो परेशानी हुआ था, लास्ट ईयर जब यहाँ पे उर्स हुआ था तो लाखों लाख आदमी आए थे लेकिन यहाँ पे बाथरूम का बहुत कमी था, किल्लत था। तो बताना चाहूंगा ये जो जुमला आपको रज्जी भाई बता रहे हैं ये हम लोग खादिम से वाले की पूछे हैं, खादिम जो है हम लोग को इनकार कर दिया बोलने के लिए क्योंकि पता नहीं उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। इससे पहले कुछ लोग वीडियो बनाए थे तो कुछ गलत काम किए थे इसी वजह से, फिर भी मैं हम लोग को बहुत कॉपरेट किए, वो कॉपरेट करने के बाद हम लोग को पूरा जो डिटेल आपको बता रही हम लोग अपना मन से नहीं बता रहे हैं, ये हकीकत में ये 52 बीघा
जगह जगह है और आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग कभी भी आइए यहाँ पे, तो सच्चा दिल और नेक दिल से आइए, इंशाल्लाह तर आप लोग का जो नेकी दिली ख्वाहिश है वो पूरी होगी। आप वहाँ क्यों चल गए, इधर आइए, पूरा अच्छा से लोकेशन दिखाइए। मजार की जरूरत होने के बाद अभी हम लोग घर की तरफ रवानगी है। अभी हम लोग मेमारी स्टेशन में बैठे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कितना देर में ट्रेन आता है। 4:05 में ट्रेन था लेकिन अभी तक तो 10-15 मिनट लेट हो चुका है, और कितना देर लेट होगा नहीं बता पाएंगे। तो मजार की जरूरत करने में काफ़ी अच्छा लगा, और आपसे भी इंतजार कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए। और हमारे समतुलक भाई और सलीम भाई से रिव्यू लेते हैं, कैसा लगा उन लोग का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजार तो काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि आपको बताया गया है कि आज मजार में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलता है, तो ये भी मजार में सुकून मिला हम लोग को। और सलीम भाई जो है काफ़ी उदास है या खुश है, ये उन्हीं का जुबान से सुन रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ ऐसा बात नहीं है, हम मजार पे जाना बहुत अच्छा बात है, आदमी हमेशा खुश रहता है, बहुत अच्छे रहता है। आप भी आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप मजार में जाते। अच्छा, नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ पे होगा ये बताइए जरा नाजरीन को। आप बताना चाहूँगा, हम लोग ये सोच के निकले थे करीब 2 या 3 मजार का ज्यारत आप लोग को करवाएंगे, लेकिन आप लोग से गुस्ताखी यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि समय नहीं था, टाइम नहीं था हम लोग के पास, आने में हम लोग का कुछ 5 बजे जो है ना शाम हो जा रहा है, जिसकी वजह से नहीं नहीं हादसा भी हुआ था, ट्रेन काफी लेट हो गया था, तो हम लोग फिर से लोकल ट्रेन पकड़ के वापस आए। आने के बाद जो है फिर अभी यहाँ पे 4:30 बज गया तकरीबन, अभी तक ट्रेन का कोई पका नहीं है, पता है ही नहीं है कब आएगी ट्रेन, अब कितना लेट लगेगा बंडिल जाने में, बंडिल के बाद फिर यार, इसीलिए आप लोग को माफी चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को बाकी मजा का ज्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग को बताना भूल गया कि जो जो हमारे इस्लामी भाई या जो भी नाजीन हमारे वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह करके उनकी नेक और दिली ख्वाहिश पूरी हो। और आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग को थोड़ा भी वली से मोहब्बत है, अपना पीर मुर्शिद से मोहब्बत है, या मजार को देखते हुए कुछ भी चीज़ पसंद आया, तो उनको देखते हुए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और उसे शेयर जरूर कीजिए। अब बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। तो ठीक है।